नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद ने अपने ही पार्टी के विधायक पर कार्रवाई की है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जहां बता दें कि ये पूर्व विधायक कोई और नहीं बल्कि गुलाब यादव है, जिन्हें लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। ऐसे में पार्टी विरोधी काम करने को लेकर ये एक्शन तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया है, जिसमें उन्हें पूरे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव अपनी पत्नी को एमएलसी चुनाव लड़वा रहे हैं और उसको लेकर 1-2 महीने से उनकी तरफ से चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि पार्टी विरोधी काम को देखते हुए ये बड़ा एक्शन आरजेडी की तरफ से लिया गया है। हालांकि अगर हम गुलाब यादव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में गुलाब यादव को टिकट भी दिया गया, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद गुलाब यादव को लेकर ये कहा जाता है कि वो लाल प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो अपनी पत्नी को एमएलसी चुनाव लड़वाने में जुटे हुए हैं, इसको लेकर आरजेडी ने पहले ही आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, जिसमें उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये निष्कासन एक तरह से आरजेडी के लिए संदेश भी है। तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई के जरिए यह कहने की कोशिश की है कि अगर कोई भी पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी काम करेगा तो उस पर कार्रवाई करने में तनिक भी देरी नहीं की जाएगी। बता दें कि मधुबनी में गुलाब यादव की अच्छी खासी पकड़ है और यही वजह है कि वो अपनी पत्नी को एमएलसी चुनाव लड़वाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। इसको लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। बता दें कि 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होंगे, जिसके बाद 7 अप्रैल को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच आरजेडी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है ताकि 24 सीट पर कब्जा जमाया जा सके और विपक्ष की जो सीट है वो आरजेडी के हाथ लग सके। और यही वजह है कि अपने ही पार्टी के लोगों की तरफ से जब पार्टी विरोधी काम की जानकारी तेजस्वी यादव को आई, ठीक इसके बाद ये बड़ा एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्रवाई करते हुए क्या कुछ इस लेटर में लिखा गया है और किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई आरजेडी की तरफ से की गई है। बता दें कि लगातार जो मीटिंग की जाती है, जो बैठक आरजेडी की तरफ से की जाती है, उसमें खुद लाल प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इन बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं, जिनमें उनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी में रहते हुए पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मजबूत करने का काम करना है, पार्टी के विरोध में जाकर हमें कोई काम नहीं करना है जिससे पार्टी का नुकसान हो सके। लेकिन जिस तरह से बीते 1-2 महीने से आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव अपनी पत्नी को एमएलसी चुनाव लड़वाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, इसका सीधा नुकसान आरजेडी को हो रहा था और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई की बात पहले भी कही गई थी और अब जाकर यह बड़ा एक्शन तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया है, जिसमें कुल 6 साल के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।